जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 4। दो चर वाले रैखिक समीकरण यूम खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे उसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, तो आओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा इन दो रैखिक समीकरणों को लिखिए जिनका उभयनिष्ठ हल 2,14 है। ठीक है बेटा, उभयनिष्ठ हल बोला है 2,14 है, इसके बेटा दो रैखिक समीकरण लिखना। इस प्रकार की और कितनी रैखिक समीकरण हो सकती है और क्यों। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा जो x का वैल्यू होगा वह होगा 2। ठीक है, y का वैल्यू हो जाएगा बेटा 14 होगा। ठीक है, तो अगर हम पहला रैखिक समीकरण लिखे बेटा, हम डायरेक्ट लिख दे x प्लस वाई, तो कितना होगा बेटा 2+14, यही होगा 2+14। तो x प्लस वाई बराबर 14 2 16, तो पहला रैखिक समीकरण आप लोग लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हो 16 लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हम समीकरण लिखे बेटा अगर, तो 2x + y, तो 2x का वैल्यू 2 है बेटा प्लस 14। ठीक है, तो 2x प्लस क्या है बेटा, यह 2x है। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 2 × 4 + 14, तो 2x + y = 14 × 4 = 18। ए हो जाएगा बेटा पहला, ए हो जाएगा आपका आपका दूसरा, दो रैखिक समीकरण हो गए। ठीक है, ऐसे बाबू अनेक, आप अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण लिख सकते हो। जैसे बाबू यहाँ पे कोई और अंक करते तो यहाँ पे बेटा उसके साथ क्या करते, गुणा करते। ठीक है, तो आप लोग लिख लोगे, यह जरूरी नहीं है जो आंसर दिया है वही लिखो, क्योंकि बेटा 2 दिया है और 2 पता नहीं कौन सा दिया है, अनेक लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे इसके। ठीक है बेटा, मतलब अनेक समीकरण लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार तो उसमें से 2 पता नहीं कौन सा हम लिखे हैं, कौन सा वो लिखा है, लेकिन इसके अनेक होंगे, 2 पूछा था 2 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो बाबू, कोई भी 2 रैखिक समीकरण लिख दोगे सही रहेगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा इसको भी लगाते हैं। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर पहला आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x + cy बराबर, यही दिया है बेटा सी के किस मान के लिए 2x + cy = 8। ठीक है, क्या कहा बेटा कि हल में से x और y के मान बराबर है, क्या कहा बेटा x और y के मान बराबर है, तो x बराबर y या y बराबर x हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे बेटा 2x + c के जगह पे y जो है, c के साथ y है जो, उसके जगह y के जगह क्या लिखेंगे बेटा x लिखेंगे, क्योंकि x y बराबर बोला है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कहा है कि c के मान ज्ञात कीजिए, c के मान निकालना, तो cx = 8 - 2x होगा, इसको इधर लाएंगे माइनस में होगा, तो c बराबर क्या होगा 8 - 2x / x, ए हो जाएगा बेटा c का वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। ठीक है, आए समझ में, चलो ठीक है इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तीसरा क्या कह रहा बाबू, तीसरा कह रहा है ध्यान दे रहा, सोचा गया कि एक्स वाई मान के निम्नलिखित मान एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता वह रैखिक समीकरण कौन सा है। ठीक है बेटा, एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है एक्स वाई का मान। ठीक है, पूछ रहा वह रैखिक समीकरण कौन सा है। ठीक है, ये हो गया बेटा एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पे 6 - 2 है, यहाँ पे 6 - 2 है, यहाँ पे -6, मतलब 6 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए बाबू यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन, क्या लिख सकते हैं, एक्स वन बराबर 6 और एक्स टू बराबर बेटा -6। ठीक है, y1 बराबर लिख सकते हैं बेटा -2, y2 बराबर 6। ठीक है, तो बेटा एक फार्मूला होता है, याद कर लेना आप लोग, रैखिक समीकरण युग्म निकालना इन दोनों हलों से, तो क्या होता है y - y1 बराबर y2 - y1 / x2 - x1 और x - x1 हो जाएगा। ठीक है, y कितना है बेटा 6 है, तो 6 हो जाएगा, y नहीं है बेटा सॉरी, y - y1 कितना है बेटा -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा यह +2 होगा। वाई टू कितना बेटा 6 है, और माइनस माइनस +y1 हो जाएगा 2। एक्स टू कितना बेटा, एक्स टू -6 है, और एक्स वन कितना बेटा 6 है, तो -6 होगा। एक्स माइनस एक्स वन कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, करोगे y +2 6 2 8 और -12
यहाँ पे x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। करोगे बेटा y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना होगा, अगर काटोगे बेटा तो 2 चौक 8, 3 चौक के 12, माइनस 2 बटे 3 और x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे इसका गुणा इसमें बेटा तो 3y प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, सबको इधर कर दो बेटा तो 2x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस 3y है रहने दो प्लस 6 इधर आएगा माइनस 12 बराबर 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा बेटा आपका समीकरण, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप लोग यह नहीं कहोगे नहीं सर आंसर बुक में कुछ और दिया है, तो कुछ और दिया है बेटा, तो क्या दिया है 3y बराबर 2x को उधर करोगे माइनस 2x, 6 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अब बाबू 3 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो y बराबर माइनस 2 बटे 3x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाग होगा 3 का होगा बेटा और प्लस 6 बटे 3 होगा, काटोगे 3 दूनी 6, तो y बराबर लिख सकते हैं माइनस 2 बटे 3x और प्लस कितना बेटा 2, ठीक है, या तो ये यहीं पे छोड़ दोगे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, ये जरूरी नहीं है कि वहां तक सॉल्व करो, जो आंसर दिया है वही आंसर लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, यह भी क्वेश्चन लगाते हैं चौथा भी, ठीक है। 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि x बराबर 3k प्लस 2, x बराबर दिया है बेटा कितना 3k प्लस 2, ठीक है, y बराबर दिया होगा बेटा, y बराबर दिया 2k माइनस 1, y बराबर दिया है 2k माइनस 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे बेटा, कहा है समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 का एक हल है, तो k का मान बताइए, क्या दिया है बेटा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल है 4x माइनस 3y प्लस 1, तो बेटा 4 यहाँ पे 4 रहेगा, x का वैल्यू कितना है बेटा 3k प्लस 2 माइनस 3, y का वैल्यू है बेटा 2k माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 k प्लस 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 k माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 1 बराबर बेटा कितना होगा 0 हो जाएगा, प्लस कितना होगा बेटा 1 बराबर 0, तो 12 के में से बेटा 6 के जाएगा कितना बचेगा 6 के बचेगा और प्लस 8 प्लस 3 11 एक 12 प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0, तो 6 के बराबर बेटा माइनस 12, इसको इधर करोगे माइनस हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा बेटा माइनस 12 बटे 6, 6 दूनी 12, तो के का वैल्यू आएगा माइनस 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा आपका हो गया बेटा खत्म, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बेटा वह रैखिक समीकरण ज्ञात, वह रैखिक समीकरण जो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलते है, संबंध सी इक्वल टू कितना 5F दिया है बेटा, सी इक्वल टू 5F माइनस 160/9, ठीक है, ये रिलेशन है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कहा यह तापमान 86 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो पहला दिया है बेटा कितना दिया है 86 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 86 फ़ारेनहाइट है बेटा, सेल्सियस में पूछ रहा है, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या होगा 5, एफ का वैल्यू कितना होगा बेटा 86 हो जाएगा माइनस 160/9, तो क्या होगा बेटा 5×36 5/40 43 माइनस 160/9, ठीक है, तो C बराबर 0 में से 0 गया 0, 13 में से 6 गया 7 बचेगा यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 बटे 9, 9×3=27, तो C बराबर आ जाएगा बेटा कितना डिग्री सेल्सियस होगा बेटा यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा, ठीक है, कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बाबू क्या दिया, यह तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो, कितना दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बेटा हम लोग रखेंगे 35, 5F माइनस 160 बेटा बटे 9, 9×5=45, 9×3=27, 27×4=31, यही होगा ना, 9×3=27=31, बाबू इसको इधर लाओगे प्लस 160 बराबर 5F, यही होगा, तो करोगे यहाँ पे 35 ही दिया ना बेटा, 35 ही दिया है तो 315 हो रहा है, 9×5=45 के 5 हाथ में आया 4, 9×3=27=4=31, करोगे बेटा यहाँ पे 5 होगा 6×1=7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा 5F, तो 5F बराबर बेटा कितना आ रहा है, 5F बराबर आ गया 475,
तो ये बराबर बेटा 475/5, तो 5 9 45, 5 25, तो कितना आएगा बेटा 95 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, दूसरे का आंसर 95 आएगा। ठीक है, तीसरा कितना है बाबू इसमें, तीसरा ध्यान देना कहा है बेटा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 0 फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस अगर है बेटा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे करोगे बेटा तो यहाँ पे 0 = 5F - 160/9, इसका गुणा इसमें होगा 0 = 5F - 160, करोगे बेटा 5F = 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बराबर 160/5, 5 3 15 और 5 2 10, ठीक है, तो कितना होगा बेटा 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू 0 फ़ारेनहाइट हो जब दिया हो तब क्या होगा बेटा, ध्यान देना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सी बराबर 0 × F - 160/9, तो हो जाएगा 160/9, 160 बेटा 9 हो जाएगा, तो 9 × 9 = 9, 9 = 16 हो जाएगा 70, 9 × 7 = 63 दशमलव बेटा, 9 × 7 = 63, 9 तो 7 = 63 होते चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.17 = 17.78 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। आ जाओ चौथा क्या कह रहा है बेटा, चौथा लगाते हैं इसका, चौथा कहा है बेटा वह तापमान जो संख्यात्मक मान है, तापमान का वह मान जो संख्यात्मक मान दोनों पैमाने में एक ही है, तो निकालना है बेटा। ठीक है, तो क्या जो बेटा C है F के बराबर है, ठीक है, तो F की जगह C या C की जगह F लिख सकते हो, तो 5 F की जगह C माइनस 160/9, इसका गुणा इसमें करोगे 9C = 5C - 160, इसको इधर करो बेटा 9C - 5C = 160, बचेगा 4C = 160 डिग्री सेल्सियस बेटा, 4 तो C = 160/4, 4 × 16, तो C का वैल्यू कितना आएगा बेटा 40 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ बाबू यह विविध प्रश्नावली भी हो गया खत्म, बहुत ही छोटे वीडियो में। ठीक है, अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच।